मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया। इस क्रेच सेंटर में सचिवालय में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल की जाएगी। इस क्रेच सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस सेंटर के जरिए बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी और इसमें बच्चों के रहने, उनके खेलने और पढ़ाई करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने इस क्रेच सेंटर के निर्माण को लेकर भी बाल विकास विभाग को बधाई दी है। 18 दिन से कम समय के भीतर इस क्रेच सेंटर का निर्माण किया गया है। पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।